الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الرقاب، یہ بخاری شریف کی کتاب الرقاب، رقاب کے جو چند ابواب ہیں وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے. رقاب یہ رقیق کی جمع ہے. رقیق کا ترجمہ ہوتا ہے نرم اور باریک، پتلی چیز. مراد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وہ ارشادات اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ باتیں جو دلوں کو نرم کرتی. دنیا کی محبت اور دنیا میں مشغولی کی وجہ سے دل سخت ہو جاتے ہیں، آخرت کی طرف سے غفلت پیدا ہو جاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات میں اور آپ کی احادیث میں ایک بڑا حصہ اور ذخیرہ ان احادیث کا ہے اور ان ارشادات کا ہے جن میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دنیا سے بے رغبتی دلائی ہے. ایسی باتیں ارشاد فرمائیں جن کو سن کر آدمی کے دل میں آخرت کی رغبت پیدا ہو، دنیا سے بے رغبتی ہو، دنیا کی محبت کم ہو، آخرت کی تیاری کا جذبہ دل کے اندر پیدا ہو. ایسی باتوں کو ان حضرات محدثین کی اصطلاح میں رقاق کہا جاتا ہے. ذخیرہ احادیث کے اندر جتنی بھی حدیثیں ہیں ان کو موضوع کے اعتبار سے حضرات محدثین نے 8 قسموں میں تقسیم کیا ہے. ان میں سے ایک قسم وہ کتاب حدیث کی جس میں یہ 8 قسمیں احادیث کی ذکر کی گئی ہوں، ایسی کتاب کو ان حضرات محدثین کی اصطلاح میں الجامع کہتے ہیں. یہ بخاری شریف جو ہے وہ الجامع ہے، اسی طرح ترمذی شریف بھی جامع ہے، یعنی اس میں احادیث کے ذخیرے سے ان 8 قسم کی احادیث کو لے کر مختلف ابواب کے ماتحت پیش کیا گیا ہے، ترتیب دیا گیا ہے. یہ ابھی آپ کے سامنے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی جو کتاب ہے بخاری شریف، اس کے اندر ایک عنوان ہے کتاب الرقاق، جس میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان ارشادات کو جو ان مضامین پر جو ابھی بتلایا گیا مشتمل ہیں پیش کیا ہے، مختلف
अबवाब और मुख्तलिफ उनवानात के माता, और इसका नाम रखा है किताबुर रिका। वैसे कदीम ज़माने से हज़रात मुहद्दिसीन का ये दस्तूर रहा है कि वो इस उनवान पर मुस्तकिल किताबें भी उन्होंने तरतीब दी हैं, गोया खालिस पूरी किताब में इसी तरह की रिवायतें। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह की किताब है किताबु ज़ोहद व रकाई। ज़ोहद का मतलब दुनिया से बेरगबती, और रकाई ये रकीकतुन की जमा है, जैसे रिका के रकीक की जमा है। वो बातें जो दिल को नरम करने वाली, पतला करने वाली, दिल की सख्ती को दूर करने वाली हों। चुनांचे पूरी किताब में उसी नौ की अहादीस उन्होंने जिक्र की है। इस मौजू पर बहुत सारे हजरात मुहद्दिसीन ने बाकायदा किताबें तरतीब दी हैं। चुनांचे इमाम मोहम्मद इबन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह की भी किताब ज़ोहद व रकायक है, हज़रत फुज़ैल इबन अयाज रहमतुल्लाह अलैह की है, वकी इबन जर्राह जो इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद हैं, बड़े मशहूर मुहद्दिस हैं, उनकी भी किताब ज़ोहद व रकायक है। हज़रत मौलाना इब्राहिम साहब पटनी दामत बरकातहुम ने उर्दू में उसका तर्जमा करके शाये भी किया है इमाम वकी की किताब ज़ोहद को, और इमाम अहमद इबन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह की है, अबू बकर इबन अबी शैबा की है, हन्नाद इबन सरी की है, इमाम अबू दाऊद जो साहिब सुनन सुलेमान इबन अशद सजिस्तानी उनकी भी मुस्तकिल किताब ज़ोहद व रकाइक है, अबू हातिम राजी, अबू ज़ुरा राजी बड़े मशहूर मुहद्दिसीन में से हैं उनकी भी है, इबन अबी दुनिया की है, बेहकी की है, इबन हज़्म की है, और बाकायदा आजकल तो ये जो है ना नेट के ऊपर देखा मैंने कहा तो 62 किताबें गोया इसी उनवान की हजरात मुहद्दिसीन की बाकायदा मौजूद हैं। तो ये बाब जो है, ये किताब जो है, ये उनवान उसी उनवान के मातहत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने जिन अहादीस को पेश किया है मुख्तलिफ अबवाब के मातहत वो आपको बतलाया जाएगा इंशाअल्लाह। बाबो कौल नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ला इशा इल्ला इशुल आखिरा, ये इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बाब का ये उन्वान कायम किया है कि ज़िंदगी तो आखिरत ही की ज़िंदगी है, यानी ज़िंदगी कहलाने की हकदार अगर कोई ज़िंदगी है तो वो आखिरत की है, कि वो हमेशा बाकी रहने वाली है। ये रिवायत भी आगे आ रही है, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये इरशाद किस मौके पर फरमाया गया था उस वाक़े को भी इसी बाब में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह आगे जिक्र करेंगे। हद्दसना अल-मक्की इब्न इब्राहिम क़ाल अख़बरना अब्दुल्लाह इब्न सईदी हुवा इब्न अबी हिंदी अन अबीहि अन इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा व अन्हु क़ाल قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ قال العباس الأنبري حدثنا صفوان بن عيسى عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن أبيه سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم مثله। चुनांचे इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी इस किताब रिकाब की शुरुआत हज़रत अब्दुल्लाह इबन अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा की ये रिवायत जो बड़ी मशहूर है, नेमतान मग़बूल फ़ीहिमा कसीर मिनन्नास अस्सेहत वल्फ़राह, अल्लाह तबारक व ताला की दो नेमतें ऐसी हैं जिनके मामले में लोग मग़बूल। मकबूल दो माना के लिए इस्तेमाल किया जाता है, धोखे का माना देने के लिए भी आता है और घाटे और नुकसान का माना देने के लिए आता है। दोनों मफहूम यहाँ मुराद लिए जा सकते हैं अपने अपने तौर पर।
कि अल्लाह तबारक व तआला की दो नेमतें ऐसी हैं कि उन नेमतों के सिलसिले में लोग धोखे में हैं। मतलब धोखे का यह है कि इंसानों को शैतान ने और नफ्स ने इन नेमतों से फायदा उठाने के मामले में ऐसा धोखे में डाल रखा है कि उनसे फायदा उठाने का मौका नहीं देते, बल्कि धोखा दे करके अभी क्या जल्दी है, हम अभी तो जिंदगी पड़ी हुई है, आगे देखी जाएगी। अल्लाह ताला की तरफ से आदमी को फुर्सत भी होती है और तंदुरुस्ती भी, सेहत और फराग, तंदुरुस्ती और फुर्सत, ये अजीब व गरीब नेमतें हैं अल्लाह तबरक तआला की। लेकिन इन नेमतों से फ़ायदा उठाने के मामले में आम तौर पर लोग जो हैं नफ्स और शैतान के धोखे का शिकार हुआ करते हैं। देखो शैतान जो होता है, तो शैतान का तरीक़े अमल हर एक के साथ अलग अलग होता है। एक मोमिन के साथ साहिब ईमान को नेक अमल से जब रोकने का वक्त आता है, वो ये नहीं कहेगा आपके दिल में ख्याल आया नमाज पढ़ें चलो कुरान की तिलावत करें, तो आपके दिल को मैं आपको यूं नहीं रोकेगा कहने नमाज पढ़ने जैसी चीज़ नहीं है। एक मोमिन जाहिर है वो तो नमाज की अहमियत को समझता है, कुरान की तिलावत करनी चाहिए, इसलिए शैतान इस तरह वरगलाता नहीं, बल्कि उनका हाँ बहुत अच्छा काम है, लेकिन क्या जल्दी कल देखी जाएगी। वह अभी उसको उस काम से रोकने के लिए उस काम की बुराई नहीं बयान की, काम की अहमियत भी बतला रहा है और साथ ही साथ जो है एक दूसरे अंदाज से धोखा देकर उससे रोक भी रहा है। अभी जल्दी क्या है, अभी तो अल्लाह ताला ने बड़ी उम्र दे रखी है, कल देखेंगे, कल पढ़ेंगे, कल तिलावत करेंगे। गोया इस तरह जो है तलाता है, तो नेकी के कामों के मामले में मोमिन के साथ जो है शैतान का तरीक़ेकार यही होता है। वैसे देखो यह तंदुरुस्ती और फुर्सत, तंदुरुस्ती और फुर्सत ये दोनों अजीब व गरीब नेमतें हैं। बहुत से लोग हैं तंदुरुस्त हैं लेकिन उनको फुर्सत नहीं है, टाइम ऐसा घिरा हुआ है, चाहने के बावजूद वो वक्त निकाल नहीं पाते। बाद हैं कि उनको जो है फुर्सत मिली हुई है लेकिन बीमार हैं, बीमारी की वजह से वो अमल नहीं कर सकती। और बहुत से वो हैं जिनको दोनों चीज़ें हासिल हैं, उसके बावजूद शैतान और नफ्स के धोखे में आकर उनसे जैसा फ़ायदा उठाना चाहिए और उनको गनीमत समझना चाहिए, समझते नहीं हैं। अल्लाह तबरक तआला की बेशुमार नेमतें हैं हमारे हाल पर। ये नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का उम्मत पर बहुत बड़ा एहसान है कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने पाकीज़ा इरशादात के ज़रिए हमें अल्लाह ताला की नेमतों की पहचान करवाते हैं, तारुफ़ करवाते हैं। वो आपने अपने इस इरशाद के ज़रिए से अल्लाह तबरक तआला की दो अहम नेमतें तंदुरुस्ती और फुर्सत, उसका तारुफ कराया, उसकी पहचान करवाई, जरा इनकी तरफ तवज्जो करो। वैसे तो अल्लाह की बेशुमार नेमतें हैं और अल्लाह की हर नेमत के तीन हक हैं। एक तो ये कि आदमी अल्लाह की उस नेमत की कदर पहचाने, दूसरा ये कि उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करे कि अल्लाह तूने ये नेमत हमें अता फरमाई, और तीसरा ये कि उस नेमत को सही तरीके से इस्तेमाल करके जिस मकसद के लिए, जिस फायदे के लिए वो दी गई है, वो मकसद उससे हासिल करने का एहतमाम करें। लेकिन जो है शैतान आदमी को ऐसा करने देता नहीं है, बस वो उसको इस तरह तला करके और उसके दिल में इस तरह की चीज़ें डालता है कि अभी जल्दी क्या है, यहाँ तक कि आदमी कल कल हर शबे गोयम के फरदा तर के ही सौदा कुनम बाज फरदा शवद इमरोजला फरदा कुनम, शाह फारसी का शायर कहता है। आदमी कोई गुनहगार आदमी होता है तो कोई नेकी की बात सुनता है, किसी वाज की मजलिस में जाता है,
तो उसके दिल में ख्याल होता है कि मैं अपनी इस बुरी ज़िंदगी को छोड़कर तौबा करके अल्लाह की इताअत और फरमा बरदारी वाली ज़िंदगी इख्तियार करूँ। लेकिन वहाँ भी शैतान यही है, कभी कहा अभी जुमा है, अभी आज तो पीर का दिन है, जुमा बड़ा बरकत वाला दिन है, जुमा के दिन ना धो के चालू करेंगे तो चार दिन का तो हो ही गया, समझाए कि नहीं। तो वह एक मरतबा जब शैतान के इस वरगलाने में आ गया और शैतान को मौका मिल गया तो फिर वो इसी तरह जो है चक्कर दे दे करके आदमी को रोकता है। तो बहरहाल ये शैतान का तरीका है। हर शबे गोयम, हर रात में यूं कहता हूँ कि आइंदा कल मैं इस गुनाह के काम को छोड़ दूंगा और भी जब कल होती है तो कल को फिर मैं बदल देता हूँ काई से आइंदा कल से। हर कल में यूं कहा करता हूँ कि आइंदा कल, और वो कल आने का नाम नहीं लेती। इस तरह आदमी की जिंदगी ख़त्म हो जाती है, फुर्सत का वक्त होता है वो ख़त्म हो जाता है, तंदुरुस्ती जवाब दे जाती है। कुरान में बारी ताला का इरशाद है, सारिउ इला मग़फिरति मिन रब्बिकुम व जन्नति अर्दुहा समावात वल अर्द, दौड़ो वह अल्लाह ताला की मग़फिरत को हासिल करने के लिए सबकत करो और ऐसी जन्नत की तरफ जिसकी चौड़ाई आसमान और ज़मीन के बराबर। गोया नेकी के कामों में आदमी को जो है सबकत करनी चाहिए। हजरत सूफिया के यहाँ एक इस्तिलाह है कि जब किसी आदमी के दिल में किसी नेक काम करने का जज्बा पैदा होता है, चलो मैं ज़रा कुरान की तिलावत कर लूँ, ख्याल आए आज मैं तस्बीह पढ़ लूँ, मैं रोज़ा रख लूँ, मैं फला नेकी का काम कर लूँ, तो इस नेक काम करने का जो इरादा दिल में पैदा होता है उसको इन सूफिया की इस्तिलाह में वारिद कहते हैं, वारिद रूहानी, कि अल्लाह ताला की तरफ से दिल में आने वाला वो ख्याल जो आदमी को नेक काम के लिए उभारता है। तो अब वो हजरात फरमाते हैं कि ये वारिद रूहानी जो है ना, वो दरअसल अल्लाह तबरक ताला का भेजा हुआ मेहमान है, कि अल्लाह ताला ने आपके पास भेजा है ये ख्याल, इस ख्याल की वजह से आप इस काम को अंजाम देंगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। गोया आपके फायदा पहुंचाने के लिए अल्लाह की तरफ से ये मेहमान भेजा गया है। अब मगर ये अल्लाह का मेहमान होने की वजह से बड़ा बागैरत है। आपके यहाँ कोई मेहमान आवे और आकर के दरवाज़ा खटखटावे, आप देख भी रहे हैं फिर भी दरवाज़ा खोलते नहीं हैं, तो दो तीन मरतबा खटखटाने के बाद मेहमान फिर ऐसा जाएगा कि दोबारा आने का नाम ले, आप दावत देंगे तो भी नहीं आएंगे। तो मैं कहा हम बेगैरत नहीं है, कोई भूखे नहीं थे जो तुम्हारे घर पर आए थे, तो मोहब्बत की वजह से आए थे, तुमने दरवाज़ा भी नहीं खोला। तो बहरहाल कहने का असल ये है कि ये नेक काम का जो ख्याल दिल के अंदर आता है जिसको वारिद रूहानी कहा जाता है, उसके मुतालिक ये हजरात फरमाते हैं कि ये खुदाई मेहमान है और खुदाई मेहमान होने की वजह से बड़ा बागैरत है। इसलिए जहाँ दिल में ख्याल आया आप फौरन उसका इस्तकबाल कीजिए और उस तकाजे पर क्या कर लीजिए, अमल कर लीजिए। फौरी तौर पर अमल का एहतमाम करेंगे तो उसकी बरकत ये होगी कि अल्लाह ताला दूसरा इरादा डालेंगे, दूसरे नेक काम करने के लिए ख्याल आएगा उस पर अमल करेंगे। इस तरह गोया पैदर पे यके बाद दीगरे आदमी नेक अमाल के अंदर लगा रहेगा। अगर पहले ख्याल ही के ऊपर उसका वो उठा नहीं, सुस्ती कर ली, बैठा रहा, फिर वो चला जाएगा दोबारा। बहुत से लोग कहते हैं कि तहज्जुद के लिए नहीं उठा। मैं पूछता हूँ आँख का, आँख तो खुलती है भाई, आँख खुलती तो फिर क्यों नहीं उठ, आँख खुलने के बाद भी न उठो। एक आदमी जब दिल में नियत करता है कि भाई मुझे तहज्जुद पढ़नी है और उस नियत करने के बाद रात को जब आँख खुल गई तो उसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह तबरक ताला की तरफ से उसकी की गई उस नियत की कदर की गई और उसकी आँख खुलवा कर उसको तहज्जुद पढ़ने का मौका दिया गया। अब आँख खुलने के बाद इसका काम था कि वो अपनी सुस्ती छोड़ करके क्या हो जाता, खड़ा हो जाता, उसके बजाय जरा घड़ी देखता है अभी 5 मिनट और मैं ये कर लूँ।
और वो 5 मिनट के लिए जो सोएगा ना तो आँख खुलेगी तो सूरज निकल चुका होगा, तहज्जुद तो क्या फजर की नमाज भी गायब हो जाएगी। और ये आज जब आपने ऐसा किया तो दूसरे दिन वो आँख भी खुलने वाली नहीं, वो जो अल्लाह ताला की तरफ से जो नेमत अता की गई थी उस नेमत की जो आपने नाकदरी की उसकी वजह से जब तक तौबा नहीं करेंगे वहाँ तक दोबारा ये कैफियत हासिल नहीं होगी। तो बहरहाल कहने का हासिल ये है कि ये जो ख्याल आता है नेकी ये काम का, इसकी भी आदमी को क्या करनी चाहिए, कदर करनी चाहिए। तो ये यहाँ इस इरशाद में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमें गोया उम्मत को बतला रहे हैं कि अल्लाह की दो नेमतें ऐसी हैं कि उन नेमतों के मामले में लोग धोखे में हैं, यानी नफ्स और शैतान धोखा देकर उन नेमतों से फ़ायदा उठाने का मौका नहीं आता, या फिर घाटे में। गबन का माना घाटा और नुकसान, घाटे का मतलब ये है कि अल्लाह की नेमतों से जैसा फ़ायदा उठाना चाहिए उसकी जो कीमत वसूल करनी चाहिए। घाटे का मतलब क्या होता है, एक आदमी के पास जो है कैपिटल है, मूडी है मूडी, और उस मूडी के जरिए से वो तिजारत करता है तो तिजारत में अगर वो नफा कमावे तो बात ठीक है, और अगर ऐसा कारोबार किया कि मूडी भी हाथ से निकल गए, हाथ धो डाले, तो ये तंदुरुस्ती और फुर्सत ये गोया हमारी जिंदगी में आखिरत की तिजारत करने के लिए अल्लाह ताला ने ये मूडी दी है, कैपिटल अता फरमाई है, वक्त वक्त दिया और तंदुरुस्ती दी, इन दोनों से फ़ायदा उठाकर नेक आमाल में लगे रहो, उसकी जो कीमत वसूल करनी चाहिए वो पूरी बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा। बहुत आदमी को चाहिए कि अपने औकात को गोया लगावे, ज़ाये और बर्बाद न होने दे, ख़ास तौर पर जितना भी ज़्यादा आखिरत का फ़ायदा उठाएगा वो कामयाब रहेगा। मैं पहले भी मिसाल दे चुका हूँ कि भाई देखिए ये तंदुरुस्ती और फुर्सत जो अल्लाह ने आपको दी है, अगर आप दुनिया के कमाने में उसको इस्तेमाल करेंगे तो आपको ये वक्त जो आप लगाएंगे और मेहनत करेंगे उस मेहनत पर दुनिया के एतबार से आपको उसका मुआवजा और उसकी उजरत और उसका बदला मिलेगा। आपके अंदर जो सलाहियतें हैं उन सलाहियतों के मुताबिक एक घंटे की मेहनत, एक घंटे के कामकाज पर हो सकता है आपको 1000 रुपये, 2000 रुपये, 5000 रुपये, 10000 रुपये। अब कोई आदमी बहुत ज़्यादा सलाहियतों का मालिक है और उसकी वजह से एक घंटे की उजरत और मुआवजे के तौर पर उसको 1 लाख मिलते हैं, तो 8 घंटे काम करेगा तो 8 लाख, एक दिन में 8 लाख, तो गोया महीने भर के अंदर 2,40,00,000, और फिर साल भर के अंदर जो है वो 25-30 करोड़ के दरमियान हो जाएगा, और पूरी ज़िंदगी अगर उसकी 25 साल की 30 साल की जो काम की ज़िंदगी है, जैसे काम का वक्त तो आधी ज़िंदगी गुजरने के बाद आता है, तो उसमें जो कमाएगा तो कितने करोड़ कमाएगा, 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़। अब उस 300 करोड़ से यहाँ सूरत में क्या खरीदेगा बताओ, हैं क्या मिलेगा, हैं एक बड़ी बिल्डिंग भी वहाँ जो है पोश एरिया में ख़रीदना चाहे तो वो मिलेगी, पूरा एक मॉल मिल जाएगा 300 करोड़ में, नहीं 3000 करोड़ में भी एक पूरे मॉल की इमारत नहीं मिलेगी। तो गोया इतना ज़्यादा कमाने वाला उसने अपनी ज़िंदगी में जो कुछ कमाया उसके ज़रिए से दुनिया में क्या हासिल किया, उसने दुनिया की एक गोया एक शहर के एक छोटे से एरिए में एक छोटी सी जगह या छोटी सी इमारत भी खरीदने के काबिल नहीं हुआ हो अपनी इस मेहनत से। उसके बरखिलाफ़ इसी अवकात को अगर आखिरत के लिए क्या करता, लगाता, इस्तेमाल करता, तो फिर आखिरत की कितनी बड़ी नेमत उसको हासिल होती। हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब आप तशरीफ़ ले गए थे मेराज में और हज़रत इब्राहीम अला नबीना व अलैहि सलातु वस्सलाम से मुलाकात हुई, उन्होंने कहा अपनी उम्मत को सलाम कहना और कहना कि जन्नत जो है वो तो जतियल मैदान है, उसके दरख्त हैं सुभानअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, जितना आदमी ये तस्बीहात पढ़ेगा
उतने दरख्त, तो उसमें गोया जन्नत का एक दरख्त एक सुभान अल्लाह कहने पर मिलता है, और जन्नत का एक दरख्त इतना कीमती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक मरतबा सूरज ग्रहण हुआ और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को सूरज ग्रहण की नमाज पढ़ाई। नमाज के दौरान आप कुछ आगे बढ़े जैसे कुछ लेना चाहते हैं, पीछे हटे जैसे अपने आप को किसी चीज़ से बचाना चाहते हैं। नमाज के बाद सहाबा ने पूछा कि अल्लाह के रसूल, ये नमाज के दौरान आपने कुछ ऐसी चीज़ें की जो पहले कभी हमने देखी नहीं, क्या इस नमाज के दौरान अल्लाह ताला ने मेरे सामने जन्नत और जहन्नम को किया था? मैं आगे बढ़ा, अपना हाथ बढ़ाया कि जन्नत का एक खोशा तोड़ दूँ, अगर मैं तोड़ लेता तो तुम कयामत तक खाते रहते तो भी ख़त्म ना होता। तो जन्नत का एक खोशा इतना कि सारी उम्मत कयामत तक खाती रहे तो भी ख़त्म होने का नाम नहीं। तो जन्नत का एक दरख्त कितना बड़ा होगा, और ऐसा एक दरख्त आपको हासिल होता है एक खाली सुभानअल्लाह कहने से। एक मिनट में आप पढ़ लीजिए सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह 50-60 तो आसानी से पढ़ डालेंगे। वह एक मिनट में जन्नत के ऐसे 50 और 60 दरख्त आप हासिल कर सकते हैं। दुनिया के अंदर दुनिया के बाग में अगर 50 और 100 दरख्त वाला कोई बाग आप खरीदना चाहें तैयार, तो कितने पैसे देने पड़ेंगे। और ये जन्नत का बाग तो अंदाज़ा लगाओ कि गोया हम अपने औकात को इधर लगाने के बजाय इधर लगा कर कितना अपना नुकसान कर रहे हैं। उसी को हुजूर फरमाते हैं कि अल्लाह की उन नेमतों से फ़ायदा उठाने के मामले में लोग घाटे में हैं, नुकसान में हैं, उससे जैसा फ़ायदा उठाना चाहिए उठाते नहीं। और वैसे भी अल्लाह ताला ने जो वक्त दे रखा है, फुर्सत दे रखी है, आमतौर पर लोग क्या कहते हैं, वैसा वक्त नहीं है। हालांकि उनको कहो तुम जरा अपने वक्त का हिसाब लो, अपने 24 घंटे का अगर जायज़ा लेंगे तो हमारे बुजुर्गों ने लिखा है कि अक्सर लोग तो वो हैं कि जिनका बड़ा वक्त जो है वो ज़ाया और बेकार जाता है, और बड़ा नहीं तो अच्छा खासा वक्त तो ज़ाया और बर्बाद जाता है। और वो शिकायत है, अभी मस्जिद से बाहर निकले कोई आदमी मिल गया, खड़े हैं बातें कर रहे हैं, आधा घंटा तो यूं ही गुजर गया। भाई ये आधा घंटा मुफ्त में मिला था क्या? इस आधे घंटे में तो आप बहुत कुछ कर सकते थे। ऐसा घर पहुंचने से पहले कोई और आदमी आ गया तो हमारा हाल ये कि हमने अपने औकात को गुजारने का कोई सही निज़ाम जो है टाइम टेबल बनाया नहीं है। बस कहीं बैठे हैं तो बैठ गए, उसी में वक्त गुजर रहा है। कहीं किसी की खबर लेने के लिए गए, भाई बीमार तो बीमार की तीमारदारी के लिए अब आप जाएंगे तो हदीस तो कहती है कि तीमारदारी मुख्तसर वक्त के लिए होती है। गए खैरियत पूछी दुआ की चले आए, अब वहाँ बैठेंगे 4 घंटे और ये 4 घंटे जो आपने ज़ाया किए क्या मतलब हुआ? तो बारह कहने का हासिल है। और फिर शिकायत यूँ करते हैं कि हमारे पास वक्त नहीं, बल्कि इस ज़माने में तो अल्लाह ताला ने हमारी ज़रूरतों के जो काम थे उनको अंजाम देने के लिए भी ये नई नई ईजादों के नतीजे में जो मशीनरियाँ तैयार हुई है ना। पहले ज़माने में भाई औरतों को आटा बाकायदा चक्की में क्या करना पड़ता था, पीसना पड़ता था, रात के आखिरी हिस्से में उठ जाती थी, आधा घंटा 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 जो आज 2 दिन में जिसको पकाना है वो गल्ला क्या करती थी, पीसती थी, वो आधा घंटा उसमें लगता था, घंटा भर उसमें लगता था। आज तो अल्लाह ने मशीन दे दी, जरा बटन दबाया 2 मिनट में वो काम हो गया। पहले मसाला जो है सिलबट्टे के ऊपर उसके अंदर 25-30 मिनट जा रही, अभी जरा सी मशीन के अंदर लगाया 1 मिनट में वो निकल आया। पहले जो है चाय बनानी है, खाना पकाना है, तो लकड़ी को रोशन जलाने के वास्ते ही जो है उसके अंदर आग पकड़ने के लिए 8-5 घंटा, और यहाँ तो अभी बरोड़ा बटन क्योंकि चूल्हा जल गया। मतलब ये है कि इन ज़रूरतों के इन मशीनरियों के नतीजों में इतना हमारा काम जल, तो ये सारा वक्त तो बचा वो कहाँ गया? बस वो ज़ाया होता है, लोग उसको सही तरीके से इस्तेमाल करने का अहतमाम नहीं करते। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इग्तनिम खमसन कबल खमसी, 5 चीज़ों से पहले 5 चीज़ों को गनीमत समझो। वहाँ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंशाअल्लाह आइंदा मजलिस में उसको भी बतला दें। सुभानक अल्लाहुम्म व बिहम्दिक व तबारक अस्मुक व तआला जद्दुक व ला इलाहा गैरुक
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری خطاؤں سے درگزر فرما تیری مرضیات پر زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے اے اللہ تمام رذائل سے ہم کو پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما تیری معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما اے اللہ ہمیں ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو صحت قوت عافیت سلامتی دنیا آخرت کی بلائیوں سے مالا مال فرما ہماری تمام ضرورتوں کی اپنے خزانہ غیب سے کفالت فرما ہمیں کسی کا محتاج و دستنگر نہ بنا ہماری روزیوں میں برکت اور وسعت عطا فرما ہماری اولادوں کو عقائد حق علوم نافعہ اعمال صالحہ اخلاق فاضلہ سے آراستہ فرما برے اخلاق برے کردار و گفتار برے عادات و اطوار بری صحبتوں برے ماحول کے برے اثرات اور برے لوگوں کی برے عادتوں کا نشانہ بننے سے ان کی پوری پوری حفاظت فرما اللہ تو اپنی شان ربوبیت سے ان کی تربیت فرما کر ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہمارے دلوں کا سرور ہمارے لیے صدقہ جاریہ اور ہماری امیدوں سے بڑھ کر کے بنا لے اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما مقروضوں کے قرضوں کے ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ جو حاجت مند ہیں ان کی حاجتیں پوری فرما حضرت مولانا سید نظام الدین صاحب اے اللہ ان کی بھرپور مغفرت فرما اے اللہ جنت الفردوس میں ان کو اعلیٰ مقام عطا فرما اے اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنا ان کی حسنات ان کی دینی ملی علمی خدمات کو حسن قبول عطا فرما ان کی سیاحت سے درگزر فرما تمام پسماندگان اور پوری امت کو صبر اور اجر عطا فرما اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما اے اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما اور جن شر و برائیوں سے پناہ چاہی ان سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا مولانا سید نظام الدین صاحب یہ امارت شریعہ بہار اور اڑیسہ کے امیر شریعت اور مسلم پرسنل لا بورڈ کے جنرل سیکرٹری سالہا سال سے تھے بڑے صالح اور بڑے امت کا درد اور فکر رکھنے والے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے ان کے لیے دعاؤں کا اہتمام کریں اس سال ثواب کا بھی اہتمام کریں